नया बल्दियाती निज़ाम क्या होगा, कैसा होगा? वज़ीर बल्दियात बशारत राजा हरकत में आ गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात से नया मुसवदा भी मंगवा लिया, कहा बल्दियाती इदारों में बेयकीनी जल्द ख़त्म करेंगे। सफदा जो है इस पे एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई थी और इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी दिलचस्पी ली थी और तमाम सूबों के वज़ीर बल्दियात जो हैं उनको बुलाकर तो उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप करवाने की कोशिश की थी। उनके इस हुक्म के मुताबिक बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास एक मसवदा आया है और अभी हमने उसको देखना है, क्योंकि आपको इल्म है कि मैंने अभी दो दिन हुए चार्ज लिया तो मैंने कल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कहा था कि वो मसवदा मुझे दिखाएं ताकि उस पर जो है आगे पेशरफ जो है उसके लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। क्या टारगेट है कब तक इसको? मेरे ख्याल में हमारी तो कोशिश है कि जितना जल्दी वो अपना कानून बन जाए, इसलिए कि इस वक्त हमारे जो बल्दियाती अदारे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो एक गैर यकीनी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा नए कानून के हवाले से हिलजुल नजर आ रही है। अरे बिल्कुल, पंजाब का जो नया बल्दियाती निज़ाम है इस हवाले से सबकी बल्दियात को एक हफ्ते के अंदर बल्दियाती निज़ाम का जो मुस्तवदा है वो तलब कर लिया गया ताकि पंजाब के बल्दियाती निज़ाम को हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर बल्दियात राजा रियाज साहब बशारत राजा ने सबकी बल्दियात को कहा है कि वो रिपोर्ट भेज दें ताकि वज़ीर आला से इसकी मंजूरी हासिल की जा सके। बशारत राजा का कहना है कि लोगों को हमें के मुस्तवदे पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर इस पर मुतअद्दिद आज जो सूबों के लोकल बॉडीज के मिनिस्टर उनके साथ मीटिंग कर चुके हैं और एक मरकज की तरफ से उन्हें मसौदा एक मौसूल हुआ है। इस मसौदे का आप हर तौर पर जायजा लिया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर सेक्टर लोकल गवर्नमेंट से यह मसौदा मांगा गया। लियाकत अंसारी।